दोस्तों आज की कहानी एक ऐना नाम की लड़की की है जो पूरी तरह से दिमाग से बीमार हो चुकी थी। और वो दिमागी रूप से बीमार इसलिए हुई थी क्योंकि उसकी माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी और उसकी माँ की मौत के सपने उसे आज भी सताते हैं, जिसकी बीमारी का इलाज बहुत सालों से एक हॉस्पिटल में चल रहा था। इसी बीमारी के चलते उसने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर का कहना है कि ऐना पहले से थोड़ी ठीक हो गई है, इसलिए आज उसकी छुट्टी होने वाली है। ऐना आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो उस अस्पताल से बाहर जाने वाली थी और उसको लेने के लिए उसके पिता आने वाले थे। ऐना जब अस्पताल से बाहर जा रही होती है तो उसे एक लड़की रोक लेती है। वो लड़की थोड़ी पागल टाइप की थी, उसी का भी इसी चीज का इलाज चल रहा था। वो वहाँ से ऐना को जाने के लिए मना करती है, लेकिन ऐना वहाँ से चली जाती है और अपने पापा को गले लगाकर बहुत खुश होती है। रास्ते में ऐना घर जाने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश थी। ऐना के पिता बताते हैं कि उसकी मॉम की जगह घर का सारा काम रिचर्ड नाम की एक महिला संभालती है। ये बात सुनकर ऐना थोड़ी सी खिसिया जाती है। बहुत सालों बाद अपने घर के कमरे में आकर ऐना बहुत खुश लग रही थी। जब ऐना घर के बाहर स्विमिंग करने जा रही थी तब उसकी मुलाकात रिचर्ड नाम की उस महिला से ही हो जाती है। रिचर्ड ऐना से अच्छे से बात करती है, लेकिन ऐना रिचर्ड से अच्छे से बात नहीं कर पाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐना जैसे ही नदी के पास वाले घर में जाती है उसे अपनी माँ की याद आने लगती है क्योंकि आखिरी समय में उसकी माँ की मृत्यु उसी घर में हुई थी। तभी वहाँ पर एलेक्स नाम की एक लड़की आती है जो ऐना की सगी बहन थी। ऐना एलेक्स से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अपनी बहन से मिली थी। उसकी बहन कहती है कि मैंने तुम्हें कितने सारे लेटर भेजे, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। लेकिन ऐना कहती है कि मेरे पास तो लेटर पहुँचे ही नहीं। एलेक्स जाकर अपने पिता से लड़ती है कि उसने उसके लेटर ऐना तक क्यों नहीं पहुँचाए, लेकिन उसका पिता कोई जवाब नहीं दे रहा था। रिचर्ड एक बार फिर ऐना से मिलती है, लेकिन ऐना फिर भी उसे सही से जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि वो रिचर्ड को पसंद ही नहीं करती थी। अगली रात को जब ऐना सो रही थी तब उसे एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है जो अक्सर उसकी मम्मी बजाया करती थी। उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। ऐना ये देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी वहाँ पर एक काली सी परछाई आती है जिसे देखकर ऐना बहुत ज्यादा डर गई थी। और बाद में पता चलता है कि ऐना इस बार भी सपना ही देख रही थी। ऐना एलेक्स से बताती है कि मैंने अभी अभी मॉम को देखा। एलेक्स इस बात पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम मॉम को कैसे देख सकती हो, वो कई साल पहले मर चुकी है। अगले दिन को स्विमिंग करने के बाद ऐना और एलेक्स आराम से लेटी हुई थी। तभी ऐना का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है जो कि फूड की डिलीवरी करता था, जो उस दिन भी रिचर्ड के कहने पर फूड की डिलीवरी करने ही आया था। वो ऐना से उसकी माँ के मौत के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन इतने में ही वह रिचर्ड आ जाती है जो ऐना के बॉयफ्रेंड मेट को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगली रात को ऐना नदी के पास वाले घर में घूमने के लिए जाती है क्योंकि उसे वहाँ से उस घंटी के बजने की आवाज आ रही थी। वो उस घर में चली तो गई थी, लेकिन उसे वहाँ रहते हुए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी उसके सामने उसकी बीमार माँ हाथ में घंटी बांधे हुए वहाँ पर आ जाती है और उसके सामने वाले घर की तरफ इशारा करती है। ये देखकर ऐना बहुत डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है और देखती है कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ऐना एलेक्स को बताती है कि उसके सपने में अभी अभी उसकी माँ आई थी और वो सामने वाले घर की तरफ इशारा कर रही थी जहाँ बिल्कुल सामने रिचर्ड खड़ी थी। ऐना और एलेक्स रिचर्ड पर नजर रखने लगती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी माँ का खून रिचर्ड ने ही किया है। तभी रिचर्ड मार्केट को जाने के लिए ऐना को पूछती है। तभी एलेक्स ऐना से कहती है कि तुम इसके साथ मार्केट में चली जाओ, मैं यहाँ इसकी छानबीन करती हूँ। अगले सीन में रिचर्ड ऐना को एक हार दिखाती है जो कहती है कि उसे उसके पुराने पेशेंट ने दिया था। सामान खरीदते समय ऐना की नज़र अपने बॉयफ्रेंड मेट पर पड़ जाती है और वो किसी बहाने से उससे मिलने के लिए चली जाती है और उससे वहाँ जाकर उससे अपनी माँ के बारे में बात पूछने लगती है। लेकिन इतने में ही पीछे से रिचर्ड आ जाती है और वो मेट से कहती है कि तुम्हें आज के बाद ऐना से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। उसी रात को ऐना और एलेक्स नदी के पास मेट का इंतजार कर रहे थे क्योंकि मेट ने उन्हें वहीं आने का वादा किया था। लेकिन इंतजार करते करते बहुत वक्त हो गया था और ऐना सो गई थी। तभी खिड़की में से मेट निकल कर आता है। ऐना मेट को देखते ही खुश हो जाती है और उसे किस करने लगती है। किस करते करते उसका हाथ मेट की कमर पर जाता है। वो देखती है कि मेट की कमर की हड्डी फैल रही थी। तभी मेट की कमर की हड्डी फैलने लगती है, लेकिन ये देखकर ऐना घबराने लगती है। ऐना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था कि ये सब असली में हो रहा है या सपने में। जैसे ही ऐना कमरे का गेट दोबारा से खोलती है वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी ऐना अपनी खिड़की के बाहर देखती है तो देखती है कि हेलीकॉप्टर एक लाश को निकाल रहा था और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि ऐना के बॉयफ्रेंड मेट की ही थी।
एना और एलेक्स को यही लग रहा था कि मेट को उनकी माँ रिचर्ड ने ही मारा है। एना इस बात को अपने पिता को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पिता कहता है कि ऐसे किसी पर शक नहीं करना चाहिए। सब कुछ होने के बाद एलेक्स एना से कहती है कि हमारी बात पर पापा तो विश्वास करेंगे नहीं, हमें खुद ही कुछ करना होगा। इसके बाद एना एलेक्स के साथ मिलकर ऐसी ऐसी जगह फोन करते हैं जहाँ पर रिचर्ड पहले से काम करती थी, और उन्हें पता चलता है कि उसका असली नाम मेलर्स है। ये बात सुनकर एना का भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी माँ का खून रिचर्ड ने ही किया था। अगले दिन को एना के घर में एक पार्टी थी जिसमें एना के पिता एना से कहते हैं कि तुम अपनी माँ की थोड़ी सी मदद तो करवा ही सकती हो। इसके बाद एना किचन में जाती है और उसकी मदद करने के लिए कहती है, और जैसे ही एना किचन में अकेली थी उसकी पीछे रखी कूड़े की पन्नी अपने आप हिलने लगती है, और जैसे ही वो मेज के सामने देखती है मेज के नीचे से एक लड़की निकल कर आती है, जिसे देखने के बाद एना बहुत डर जाती है और रिचर्ड द्वारा बनाए हुए केक को नीचे गिरा देती है। इस बात पर रिचर्ड एना पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। अगले सीन में एना के पिता एना से बताते हैं कि कुछ ही दिनों में वो रिचर्ड से शादी करने वाले हैं, लेकिन एना इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अगले दिन को एना के पिता कहीं बाहर जा रहे थे और वो एना से कहकर जाते हैं कि अपनी माँ का ख्याल रखना। उसी शाम को एना रिचर्ड के साथ कब्रिस्तान जाती है, तभी वहाँ उसे एक लड़की और दो लड़के दिखाई देते हैं जो उसे हर बार दिखाई देते थे। वो उनको फॉलो करते करते उनके पीछे जा रही थी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो तीनों गायब हो जाते हैं और एना को ठोकर लगती है और ठोकर में एक समाधि पर गिर जाती है जहाँ पर कि उन तीनों बच्चों की समाधि बनी हुई थी और तीनों बच्चों का नाम भी लिखा हुआ था। उसी रात को घर आकर एना इंटरनेट पे उन तीनों बच्चों की मौत के बारे में जानने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि उन बच्चों को पहले ड्रग्स दिया गया था और सुमर्स नाम की महिला ने उन्हें चाकू से मार डाला था, और वो उन तीनों बच्चों की तस्वीर के साथ उनकी माँ की तस्वीर को ध्यान से देखती है जिसके गले में वही मोतियों का हार पड़ा हुआ था जो कि रिचर्ड के पास था। वो ये देखकर कहती है कि ऐसा हार तो रिचर्ड के पास है और उसी ने ही उन तीनों बच्चों की हत्या की है, लेकिन ये बात चुपके से रिचर्ड सुन लेती है। अगले सीन में एना और एलेक्स उस हार को चुराने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। एलेक्स एना से कहती है कि तुम चाबी लेकर आओ, तब तक मैं खिड़की में से जाती हूँ। एना जैसे ही चाबी लेकर वापस आती है एलेक्स उसे वहाँ पर नहीं दिखती है, लेकिन वहाँ पर रिचर्ड थी और रिचर्ड के हाथ में एक ड्रग्स का इंजेक्शन था। एना कैसे भी करके एलेक्स के पास पहुँचती है और एलेक्स के कहने पर उस हार को लेकर वो पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ जाकर वो इंस्पेक्टर से सब कुछ बताती है, लेकिन इंस्पेक्टर पहले से ही रिचर्ड से मिला हुआ था। वो वहाँ एना को नशे का इंजेक्शन लगवा देता है। इसके बाद एना बेहोश हो जाती है और उसे रिचर्ड घर पर ले जाती है और उसके सारे कपड़े उतार कर उसे सुलाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी चुपके से रिचर्ड के पीछे से एलेक्स आ जाती है और ये बात एना को पता थी। नशा उतरने के बाद जब एना की आँख खुलती है तो देखती है कि घर से लेकर बाहर तक खून लगा हुआ है। वो उसको फॉलो करते हुए जाती है और जाते जाते एक संदूक तक पहुंचती है, और जैसे ही वो संदूक को खोलकर देखती है तो उसमें रिचर्ड के कटे हुए टुकड़े थे, और वहाँ देखती है कि एलेक्स के हाथ में एक चाकू था। एलेक्स एना से कहती है कि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और एना एलेक्स को गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर अपनी गाड़ी को लेकर एना के पिता आ जाते हैं और वो एना से कहते हैं कि आखिर ये तुमने क्यों किया और कैसे किया। एना कहती है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि एलेक्स ने किया है। तभी एना के पिता एना से बताते हैं कि एलेक्स तो एक साल पहले ही मर चुकी है। तभी एना बराबर में देखती है तो चाकू एलेक्स के हाथ में नहीं बल्कि एना के खुद के हाथ में होता है, और पता चलता है कि रिचर्ड का खून खुद ही एना ने किया है। तभी एना के पिता बताते हैं कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारी ही वजह से हुई थी और तुम्हें लगा कि तुम्हारी माँ की मौत रिचर्ड ने की है, और एना को सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि जब वो रिचर्ड को जलाने के लिए जा रही थी तो तेल का पाइप खुला हुआ रह गया था और जल्दी जल्दी में लैंप भी नीचे गिर गया था, और उस टाइम एलेक्स भी अपने माँ के साथ थी और उस घर में आग का बहुत बड़ा धमाका हुआ था। और उसे ये भी याद आ जाता है कि मेट की जान भी उसी की वजह से गई थी, और एना के पिता एना को दोबारा से अस्पताल में भेज देते हैं। एना को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था, और यहीं पर कहानी का अंत कर दिया जाता है। अगर दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।